तो हेलो हेलो कैसे दोस्तों, आप लोग रिकॉर्ड एवरी वन का वेलकम है। तो भाई लोग मैं आपको एक ऐसा बोर्ड बताने वाला हूँ ना कि जिसके नीचे आप देख सकते हो, ठीक है। मतलब कि अगर आपको मैं शॉर्ट टर्म में बताऊँ ना तो उस बोर्ड के नीचे ग्लासेस लगे हुए हैं, ठीक है, जिस कारण से आप बोर्ड के नीचे इजिली से देख सकते हो। तो भाई समझ सकते हो कितना ज्यादा ओपी चीज होगा। आपका देखो इसको स्पॉन करने के लिए ना, देखो जैसे सिंपल बोर्ड बनता है ना, आप वैसे सर्वाइवल में इसको बना सकते हो। और ऐसे क्रिएटिव में आपको मैं दिखा देता हूँ। तो सिंपली से आप बोर्ड सर्च करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड आ जाएंगे, ठीक है। साथ के साथ चेस्ट वाला है, चेस्ट वाला तो शायद मेरे सबसे पहले से भी था। तो देखो ऐसा कुछ बोर्ड आ जाएंगे, कोई वाला भी आप ले सकते हो, बर्ड वाला भी, ये रेड वाला भी ले सकते हो। तो चलो मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। और देखो आप कहीं पे भी रख सकते हो, चलो मैंने यहाँ पे रख लिया इसको। और देखो ये सिंपल से ग्लास लगा, और सबसे बढ़िया बात क्या है ना कि ग्लास के नीचे एकदम से क्लियर दिखता है। जैसे कि अगर वैसे वैसे हम देखते हैं तो थोड़ा सा धुंधला दिखता है। जैसे देखो नीचे में लाइट आ रहा ना, तो यहाँ पे देखना कितना बढ़िया से दिखने वाला। तो देखो इस पर मैं जैसे ही बैठता हूँ और देखो ऐसा कुछ मैं जाऊँगा आगे, तो देखो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। और मैं आगे जाता हूँ, वो चीज दिखेगा ना यहाँ से आने के बाद। हाँ देखो अभी तो कैट अंधेरा दिख रहा है कि यहाँ पे अंधेरा है, इसके ऊपर मैं जाने का ट्राई करता हूँ। तो देखो ये इसके ऊपर में जैसे ही है तो देखो नीचे में जो लाइट लगा था ना, कितना क्लियर दिख रहा है। मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे पानी बीच में है ही नहीं, ठीक है। तो इसी यही वाला कि ये ग्लास वाला है तो आप नीचे में देख सकते हो। जैसे कि पीछे में सी, अभी जगह मैं उतर के आपको दिखाता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे पीछे में शायद से सी है, ठीक है। पता नहीं सी या फिर रिवर है, खैर यहाँ पे तो ये ट्रीज वगैरह दिख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से रिवर ही है, लेकिन आगे जाके शायद से सी है। तो आप सी के जितना भी नीचे आप गहराई होगा ना उसके, तो गहराई में आप देख सकते हो। ऐसे तो आप पहले नहीं देख सकते थे ना, नीचे में जाना पड़ता था। तो ऐसे आप बोट से डायरेक्टली देख सकते हो कि नीचे कितने कितने मतलब कि फिश वगैरह या फिर कितने टर्टल्स वगैरह, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा। तो यार मैं बता दूं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपल इस वाले साइड पर जाना, ठीक है। और इस वाले साइड पे आने के बाद में आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, ये जावा एडिशन के लिए भी और ये बेडरॉक और टी के लिए। तो नीचे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये वाला एमसीपी डेल का खुलेगा, सिंपली से इसको क्लिक करना है। तो लिंक वटाइज वाला खुलेगा, लिंक वटाइज पे खुलने के बाद यहाँ पे आपको फ्री एक्सेस पे दबाना है। फ्री एक्सेस पे दबाने के बाद यहाँ पे कुछ मीडिया फायर का आपको लिंक खुल जाएगा, ठीक है। तो देखो 73 KB का ज्यादा नहीं है। तो यार वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब का बटन दबा देना और लाइक कर देना। तो यार मिलते हैं नए वीडियो में।